तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ, तो कि एंड और आउट की जगह पे हम किस तरीके से इफ का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम सेल्स देते हैं और सेल्स में हम कुछ नंबर्स देते हैं, अब मुझे पता करना है कि कौन सा बिटवीन है आपका 60 to 90। तो इसके लिए हमने आपको लास्ट क्लासेस में बोला था कि हम इफ के अंदर में एंड एंड और हम इसको लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60 करेंगे कॉमा, इसको सेलेक्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू 90 करेंगे। तो अगर दोनों के बीच का होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहां पे ट्रू आया तो मैं रिजल्ट में ओके देना चाहता हूं। ओके, मैं एक मिनट इन्वर्टर करा देता हूं। ओके, अदरवाइज मैं देना चाहता हूं पेंडिंग। लेकिन मैं इसमें एंड का इस्तेमाल किया ना, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास एक ही था, मतलब यहां पे मैं एंड का इस्तेमाल ना करके मैं नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो मतलब कि एक कंडीशन तो एक ही, बट यहाँ पे दो कंडीशंस है कि 60 से बड़ा और 90 से छोटा, इसलिए हम यहाँ पे दो इफ लगाएंगे। तो पहले इफ होगा कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, फिर इसी के बाद दूसरी इसी के ट्रू पार्ट के दूसरा इफ लगेगा कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 90 है। तो अगर 60 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ए 90 को चेक करेगा, नहीं है तो फिर फॉल्स पार्ट पे जाएगा। तो ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पे ओके दूंगा, अदरवाइज दूंगा पेंडिंग। अब यहाँ पे ओके होने के चांस एक बार है, बट पेंडिंग होने के चांस दो बार है, यहाँ पे दो बार पेंडिंग लिखा है। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि हमारे पास इफ है। अब इफ में ए हमारा, इस इफ का ए हमारा लॉजिकल पार्ट हुआ और ए हमारा ट्रू पार्ट है और फॉल्स हमारा, ये आपका पेंडिंग जो है फॉल्स पार्ट। उसी तरह से इस इफ का ए हमारा लॉजिकल पार्ट है, ये ट्रू पार्ट और ये फॉल्स पार्ट। ये नंबर अगर ग्रेटर देन 60 नहीं हुआ तो क्या होगा, इसको शो करेगा क्योंकि ये स्किप हो जाएगा, इसकी इफ को स्किप कर देगा और सीधे पेंडिंग को शो करेगा। सेम थिंग अगर ए अगर आपका नहीं हुआ फुलफिल तो फिर वो ओके नहीं पेंडिंग को शो करेगा। तो हमने आपको दिखाया कि हम दो इफ एक साथ कैसे लगाए। सबको समझ में आ गया या किसी को डाउट है? सर थोड़ा रिपीट करेंगे, मैं एक्चुअली लेट में ज्वाइन किया, मेरा नेट का प्रॉब्लम था। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक इफ में दो इफ लगाने की, क्योंकि मेरे पास कंडीशन दो है। पहली कंडीशन है कि हमारा नंबर गेम 60 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा 60 से छोटा हो, 90 से छोटा होना चाहिए। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया था कि इसके लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब यहाँ एंड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इफ का इस्तेमाल कर रहा। तो हमने दो इफ लगाया, पहले इफ में दूसरे इफ को डाला टू पार्ट, सिंपल आपके सामने। अब चलिए हम दो से ज्यादा इफ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट वाला कि मेरे पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं तीन ही रखता हूँ, इस बार बढ़ाता हूँ तीन कर देता हूँ, धीरे बढ़ाऊंगा।
यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास नेम है जैसे पूजा हो गया वगैरह वगैरह, और उनके यहाँ पे मेरे पास मार्क्स है। मुझे यहाँ पे रिजल्ट में पास और फेल चाहिए। कंडीशन क्या है कि हर सब्जेक्ट में 30 से ऊपर नंबर होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में 30 से ऊपर नंबर नहीं है उस सब्जेक्ट में फेल होगा, जिसमें है उसमें पास। ओके, तो इसके लिए लास्ट क्लास में हमने एंड का इस्तेमाल किया था, एएमडी एंड, और एंड में हमने क्या किया था, एंड में हमने दिया था कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो अब रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स मिला है। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज को मैं एंड नेस्टेड इफ से करना चाहता हूं, इसलिए करेंगे इफ हम बोलेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, ऐसा होल्ड कीजिए सही, तो ए बी सी डी का नाम है। तो ए बी सी डी नहीं। हाँ, सी डी वन टू थ्री। सॉरी सर, माफी चाहूँगा थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए। तो यहाँ पे हमने इफ दिया और फिर यहाँ पे मैं देता हूँ कि इफ, फिर इसको सिलेक्ट किए कि अगर ए आपका लेस देन इक्वल टू 30 हो, फिर अगेन में हम इफ देंगे और हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 30 है।
ऐसा हुआ से पास, क्योंकि पास करने की पॉसिबिलिटी एक बार है, फेल करने की पॉसिबिलिटी तीन बार है यहाँ पे, क्योंकि तीन इफ है तो तीन इफ जो है हमें उसका फॉल्स लिखना पड़ेगा ना। तो तीसरा इफ जिसका हमने टू पार्ट फॉल्स पास है और ये आपका फेल है। अब दूसरे इफ का ट्रू पार्ट तो आपका ये है, तीसरा इफ फॉल्स पार्ट में मैंने दे दिया, उसी तरह से पहले इफ का ट्रू पार्ट तो दूसरा और तीसरा इफ है और इसका फॉल्स पार्ट हमें यहां पे देना पड़ेगा कॉमा से। मैं नीचे तक ड्रैग किया, अब देखिए ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को, किसी को डाउट इस पे? और थोड़ा एक बार बता दीजिए क्या दिक्कत है, फॉर्मूला आपके सामने है, बताइए दिक्कत क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। दिक्कत जो फॉल्स पार्ट है उसको तीन बार रिपीट किया है ना आपने, तो फर्स्ट पार्ट तीन बार रिपीट है, नहीं 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 समझो, और सुनिए, देखिए ये आपका ब्रैकेट है ना, इफ कंटेनर है, इसके अंदर एक कंटेनर डालेंगे तो स्टार्टिंग इसका दोनों तरफ से देना पड़ेगा ना, ठीक है सर आपका? उसी तरह से पहला इफ है और इस पहले इफ का ये पहला पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट, वैसे इस इफ का ये आपका लॉजिक हो गया और ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। मतलब अगर मैं क्लियर करूं आपको समझाऊं तो देखिए क्या होगा कि पहले इफ चेक करेगा कि क्या है ग्रेटर देन 30 है, अगर ग्रेटर देन 30 है तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड, नहीं तो सीधे इस रिजल्ट को, इस फॉल्स को बाहर आ जाए, रिजल्ट दे देगा और किसी और को रन नहीं करेगा। फिर दूसरा इफ चेक करेगा क्या 30 है तो तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे एक दूसरे आपका इस फॉल्स को रिटर्न, और तीसरा इफ चेक करेगा कि अगर पास है तो इसको रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर इसको रिटर्न। आप समझ में आया? पहला इसका जो फेल है वो लास्ट वाला है, हाँ, और दूसरा इसका सेकंड लास्ट का प्रीवियस वाला है, मतलब पहले वाला मिडिल वाला फेल। अच्छा आया सुनते, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अप्लाई करेंगे तो भी आपको डाउट क्लियर होगा सर, ऐसे नहीं होगा। अब चलिए इसमें हम बात करते हैं और अपनी कंडीशंस को, जैसे कि यहां पर नेम है और नेम में हमने दे दिया पूजा, और यहाँ पे मान लीजिए कि यह है आईडी प्रूफ में हमें देना है पासपोर्ट, ये चार कंडीशन दे देता हूँ, और यहाँ पे यू आईडी। अब मुझे यहाँ पे स्टेटस में ओके करना है, लेकिन किसी एक में हुआ यहां पे करेंगे इक्वल इफ, अगर ये पास पासपोर्ट इक्वल टू वाई है तो यहां पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग, लेकिन पेंडिंग कब होगा एक बार, तो पेंडिंग हमें नहीं देना है। अब यहां पे देखिए
अगर आप एंड लगाते हैं तो पहला इफ दूसरे इफ के ट्रू पार्ट में जाएगा, समझ गए? यहां पे देखिए, अगर आप पहला इफ दूसरे इफ के पर इसमें जाता है ना, लेकिन और में क्या होता है कि पहला इफ दूसरे इफ के ट्रू पार्ट में जाता है। तो यहां पर फिर देंगे इफ इक्वल y and okay, फिर if इसको सेलेक्ट करेंगे equal y and फिर if इसको सेलेक्ट करेंगे equal y then और लास्ट में हम देंगे यहां पे pending, क्योंकि pending एक ही बार होगा, क्योंकि इसमें क्या है अगर इसने B4 में इसको Y मिला तो ओके देगा और बाकी सारे इफ को इग्नोर कर देगा, नहीं हुआ फिर ये आपका दूसरा इफ चेक करेगा Y है तो ओके देगा और बाकी सारे स्किप को सारे इफ को स्किप कर देगा, फिर ये चेक करेगा क्या है Y है तो ओके देगा अदरवाइज सबको स्किप कर देगा, तो इसी कंडीशन ले जाएगा, लास्ट में जब देखेगा किसी ने वाई नहीं मिला तो पेंडिंग, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें और जहां दिक्कत होगा हम कल बताएंगे, क्योंकि इससे आगे बताएंगे तो सभी ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही। लिंक इसका लिंक थोड़ा भेज दीजिए। ठीक है, जरूर जरूर, ओके।